Okay, today we will be discussing on the topic airborne disease. Can anyone tell me what is airborne disease? Can anyone tell me what is airborne disease? Anyone? क्या आप लोगों को पता है क्या एयरबोन डिजीज क्या है? एनीवन? एनीवन? पता है या नहीं पता? एटलीस्ट रेस्पॉन्स तो दो. नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, पता है तो लाइक एक्सप्लेनेशन ही नहीं चाहिए. नो मैम, नो मैम. ओके ओके, एटलीस्ट यू नीड टू रेस्पॉन्स. यू नो व्हेन योर टीचर्स टॉक विद यू, एटलीस्ट यू नीड टू रेस्पॉन्स. अगर समझ में आया तो बोलो समझ में आया, नहीं आया तो बोलो नहीं आया. यू जस्ट नीड टू रिप्लाई दैट मच. यस यस ओके. अगर समझ में नहीं आया तो तुम लोगों को समझने का मन नहीं है क्या? मन है तो लाइक यू नो आई विल कीप ऑन रिपीटिंग कि मैम मुझे समझ में नहीं आया. तुम लोग जितना बार बोलोगे मैं उतना बार एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए जस्ट येस नो रेस्पॉन्स करने से भी हो जाएगा. ओके लेट्स स्टार्ट नाउ. एयरबोन डिजीज. Airborne disease is the disease which is caused by pathogen and that can be transmitted through the air. तो उसका मतलब है कि airborne disease का मतलब ही एक disease है जो pathogen से cause किया जाता है. And this particular disease is transmitted through the air. पहले में मैंने सिखाया था तुम लोगों को waterborne disease. वो waterborne diseases वो कैसे transmit होता था? Through water. इसलिए उसको waterborne disease बोला जाता था. अभी वाला ये जो है कि इट इज कॉज बाय पैथोजन एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर. और ये जो पैथोजन जो मेंशन किया यहाँ पे, दिस पैथोजन 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 क्या क्या है? ये पैथोजन इट मे बी वायरस, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी फंगाई. एंड ये जो पैथोजन है ये कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू ब्रीथिंग, टॉकिंग, coughing, sneezing, raising of dust, spraying of liquid, etc. This means that, मैं फिर से repeat करती हूँ. First I will tell in English, then I will say in Hindi. So, the airborne disease means this is a disease which is caused by pathogen. And this can be transmitted through the air. And this particular pathogen may be virus, maybe bacteria, maybe fungi, and all these pathogens, they can spread through breathing, talking, coughing, sneezing, etc. So, iska matlab hai ki, kya bola hai ki, airborne disease, aisa disease hai, jo pathogen se cause hota hai. Aur ye kaise transmit hota hai hamara sharir pe? It can be transmitted through the air. Air ka through se transmit hota hai. Aur yaha pe jo mention kiya na, यहाँ पे जो इट इज कॉज बाय पैथोजन जो बोला है, जो यहाँ पे जो पैथोजन बोला है, पैथोजन का मतलब है कि इट मे बी वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है. और ये सब पैथोजन हमारा शरीर में कैसे स्प्रेड होता है? जब हम सांस लेते हैं, दैट इज ब्रीथिंग. हम जब बात करते हैं, दैट इज टॉकिंग. जब हम कफ करते हैं, जब हम स्नीज करते हैं, जब हम डस्ट पार्टिकल का सामने में हम जब होते हैं ना, विद ऑल दोस थ्रू ऑल दोस सोर्सेस ये एयरबोन डिजीजेस ये सब स्प्रेड होता है. तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है. इसका क्या कैसे कॉज होता है, मैं अभी तुम लोगों को पूछती हूँ कि एयरबोन डिजीज क्या से कॉज होता है? एयरबोन डिजीज इज कॉज बाय व्हाट? Anyone? अभी तो एक्सप्लेन किया एयरबोन डिजीज को. एक पूछिए कि एयरबोन डिजीज कैसे कॉज होता है तो क्या बोलोगी? वायरस. इट कैन बी कॉज बाय पैथोजन. हाँ यस करेक्ट, वायरस. इट कैन बी कॉज बाय पैथोजन बोलना है. हाँ अगर कोई पूछा कि एयरबोन डिजीज क्या है, देन यू नीड टू से दैट ए डिजीज है जो पैथोजन से कॉज होता है. जो ये पैथोजन का ये मतलब क्या है? पैथोजन का मतलब है कि पैथोजन मींस वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है. समझ में आया?
समझ में आया क्या पैथोजन मींस क्या है और ये कैसे ट्रांसमिट होता है? थ्रू एयर, एयर का थ्रू से ट्रांसमिट होता है। और नेक्स्ट हम अभी देखते हैं कि ये एयरबोर्न डिजीज का क्या क्या टाइप्स होता है। सबसे पहले कोरोना कोरोना वायरस और कोविड 19। कौन हूज देयर? कोरोना एयरबोर्न डिजीज का टाइप वी विल स्टडी नाउ एयरबोर्न डिजीज। डिड यू हर्ड अबाउट कोरोना? कोरोना क्या है? किसी कोई बोल सकता है क्या व्हाट इज कोरोना वायरस? एनीवन कोई बोल सकता है क्या कोरोना वायरस क्या है? एनीवन वायरस है वो पैथोजन है। It's a disease. Yes, corona. हाँ, और ये जो कोरोना वायरस में ना यहाँ पे जो कोविड 19 लिखा जाता है ना, ये 19 का मतलब क्या है? कोरोना वायरस को शॉर्ट फॉर्म से कोविड 19 बोल के लिखता है, तो ये 19 का मतलब क्या है? यस वेरी गुड। 2019 में ये डिजीज हुआ था, इसीलिए उसको 19 लिखा जाता है इन शॉर्ट फॉर्म। तो अभी कोई मुझे बता पाएगा क्या कोरोना वायरस कैसे कैसे होता है? Anyone? अगर किसी का कोरोना हुआ तो उन लोगों का क्या क्या सिम्टम्स दिखाएगा? Like what can you what type of symptoms you can see in a person if he or she suffer from corona? Anyone? बुखार होगा मैम। Yes, correct. और बुखार और क्या क्या हो सकता है? मैम कॉफ। Yes, कॉफ भी होगा, फैटिक भी होगा, और वो सांस लेने में दिक्कत होगा क्या? सांस में प्रॉब्लम होगा क्या अगर किसी का कोरोना हुआ तो? यस मैम। यस करेक्ट। उसको उसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाँ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तो उसको बोलते हैं। तो अभी और ये रैपिडली बहुत वो स्प्रेड होता है और दिस आर द डिजीज। तो अगर किसी का कोरोना हुआ तो उन लोगों को मींस दोस पर्सन तुम उन लोगों को कैसे प्रिवेंशन लेना है? अगर किसी का जैसे कि तुम्हारे तुम लोगों का घर पे किसी का कोरोना हुआ तो उन लोगों को क्या एडवाइस दोगी प्रिवेंशन करने के लिए? या फिर अभी तक किसी का कोरोना नहीं हुआ फिर भी कोरोना वायरस से दूर रहना है तो प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन या फिर क्या क्या वो टेक्निक वो लोग प्रिवेंट करने के लिए अप्लाई करना है? क्या बोलोगे किसी का कोरोना हुआ या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या बोलोगे? क्या क्या करो, ये करो, वो करो, क्या बोलोगे तुम लोग? सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। यस यस वेरी गुड। सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना। यस करेक्ट। और कैसे फैल जाता है? लाइक ये भी एक एयरबोर्न डिजीज है जो ये इसीलिए तो हवा में भी होता है, इसीलिए सब लोग मास्क पहनते हैं ना। तो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ कोरोना। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज कॉमन कोल्ड। किसी को पता है कॉमन कोल्ड क्या है? एनीवन कुछ आइडिया है? कॉमन कोल्ड का नाम सुनते हैं, COLD कॉमन कोल्ड का नाम में यहाँ पे जो
कोल लिखा ना COLD, उसका मतलब क्या है कोल का मतलब? जहार ऑफ योर वीडियो. Jahar, off your video. Jahar, off your video. Okay, okay. कॉमन कोल, ये जो कॉमन कोल है ना, कॉमन कोल, तो उस वो सुन के तुम लोगों का क्या आइडिया है? सबसे पहले दिमाग में क्या आया? लाइक व्हाट कम फर्स्ट इन योर माइंड व्हेन यू हर्ड द वर्ड्स कॉमन कोल? यहाँ पे जो कॉमन कोल है ना, कोल का मतलब क्या है? कोल का मतलब क्या, गर्म है क्या या ठंडा? COLD. कोल का मतलब नहीं पता क्या? कोल का मतलब क्या है? ठंडा है मैम. यस, इफ यू नो जस्ट रिप्लाई इट, तो तुम लोगों का और भी वो नॉलेज वो गेन होगा. इफ यू स्पीक कॉन्फिडेंट होगा तुम लोगों का अंदर में, लाइक यू नो व्हेन पीपल आस्क यू समथिंग, अगर बात करोगी स्पीक करोगी तो यू विल हैव कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. कॉमन कोल, तो कॉमन कोल का कॉमन कोल मीन्स ये जो कॉमन कोल है, दिस इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रेन, बच्चों में बहुत ये कॉमन है. एंड इट इज मेनली कॉज बाय वायरस. ये जो पहले मैंने बोला था ना कि एयरबोर्न डिजीज, तो लाइक इट इज कॉज बाय पैथोजन, तो पैथोजन कॉज करता है बोला. और वो जो पैथोजन था वो क्या क्या था? वायरस भी हो सकता था, बैक्टेरिया भी हो सकता था, फंगाई भी हो सकता था, बोला था मैंने. तो ये कॉमन कोल जो है, कॉमन कोल जो एयरबोर्न डिजीज है, ये क्या से कॉज करता है? ये इट इज कॉज बाय वायरस. वायरस, तो ये वायरस का नाम क्या है? राइनो वायरस. ये तो अगर कोई तुम लोगों को पूछे कि कॉमन कोल, किसी का कॉमन कोल या फिर तुम किसी का, लाइक इफ यू सॉ समवन और इफ यू फाइंड समवन कि वो कॉमन कोल से सफर कर रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली लाइक यू नो प्रेडिक्ट और से इज दैट ओ इसका तो ये वायरस से कॉज हुआ है, और वो वायरस का नाम है राइनो वायरस, ऐसा लाइक यू नो. दैट्स व्हाई यू नीड टू नो कि इफ ए पर्सन सफर फ्रॉम कॉमन कोल तो क्या वायरस से कॉज होता है. तो नाउ लेट मी आस्क यू कि इफ एनीवन सफर फ्रॉम कॉमन कोल, व्हाट टाइप ऑफ सिम्टम्स ही और शी विल हैव? क्या सिम्टम्स दिखाई देगा किसी का कॉमन कोल हुआ तो? एनीवन, अगर किसी का कॉमन कोल हुआ तो सर्दी नहीं होगा क्या? किसी का कॉमन कोल हुआ तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देगा? स्नीजिंग, कफिंग, रनिंग नोज, ये सब दिखाई देगा अगर किसी का वो है कॉमन कोल डिजीज हुआ तो. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा. क्या है इन्फ्लुएंजा? एक वायरल इन्फेक्शन है. दैट, कैन यू हियर मी? यस मैम. ओके, तुम कभी सुना क्या इन्फ्लुएंजा के बारे में? इन्फ्लुएंजा के बारे में कभी सुना क्या कि इन्फ्लुएंजा होता क्या है, कैसे कैसे कॉज होता है, क्या से कॉज होता है, उसका क्या सिम्टम्स होता है? पता है क्या सब? No, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देने से मैं समझ लूंगी कि तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए. पूरा परफेक्ट सब कुछ समझ में आ गया. तो इन्फ्लुएंजा का मतलब है कि इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है दैट विल अटैक आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. एक
ये क्या है इन्फ्लुएंजा क्या है, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ ये वाला जो डिजीज है ये दूसरों को भी स्प्रेड, इट कैन ऑल्सो स्प्रेड सो इजिली बिकॉज इट इज कंटेजियस, एंड ये कंटेजियस का मतलब है कि ये दूसरों को भी फैल सकता है, लाइक इट कैन स्प्रेड टू अदर। जैसे कि अगर क्लासरूम का एक स्टूडेंट, इन वन क्लासरूम अगर एक स्टूडेंट का इन्फ्लुएंजा हुआ तो दूसरा स्टूडेंट को भी वो है इन्फेक्ट ट्रांसमिट कर सकता है, तो उस ऐसा टाइप को बोलते हैं कंटाजियस। कंटाजियस मीन्स कम्युनिकेबल दैट कैन ऑल्सो स्प्रेड टू अदर। तो ये इन्फ्लुएंजा ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो दूसरों को भी स्प्रेड कर सकता है। तो ये डिजीज क्या है कि उसका सिम्टम्स अपीयर करने का आगे भी दूसरों को ट्रांसमिट कर सकता है, और उसका सिम्टम्स अपीयर होने के बाद भी 5 से 7 days तक दूसरों को ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगेन आई विल रिपीट इन इंग्लिश कि इन्फ्लुएंजा इट इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट विल अटैक आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड देन इट कैन स्प्रेड सो इजिली। व्हाई इट कैन स्प्रेड सो इजिली? बिकॉज इट इज कंटेजियस, इट इज कंटेजियस दैट मीन्स इट कैन स्प्रेड टू अदर पर्सन, एंड even before the appearance of the symptoms it can spread to other, and even after appearance of the symptoms still 5 to 7 days it can still spread to other person. That is why it is mainly mentioned that it can be easily spread. And ye influenza hai abhi influenza ka samajh mein aaya kya tum logo ko? Influenza? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Yes, मैंने बोला था इन्फ्लुएंजा मीन्स वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। तो ये इतना कंटेजियस मीन्स ये इतना वो है, जल्दी लोगों का ऊपर स्प्रेड होता है, तो इसीलिए लाइक इसको बोलते हैं कंटेजियस इन्फ्लुएंजा। कंटेजियस कम्युनिकेबल है, तो इसका सिम्टम्स दिखाई देने का आगे या फिर दिखाई देने का आगे भी दूसरों को स्प्रेड कर सकता है, दिखाई देने के बाद भी स्प्रेड कर सकता है, 5 या 7 दिन तक स्प्रेड कर सकता है। तो उसको ऐसा टाइप का डिजीज को बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। और अब अगर अभी किसी का इन्फ्लुएंजा हुआ तो उसको क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है, जैसे कि उसका हेडेक हो सकता है, उसका रनिंग नोज हो सकता है, उसका फीवर हो सकता है, ये सब सिम्टम्स हम बाद में डिस्कस। हाँ, पार्डन, क्या बोला? ओके ओके, ये सब हो सकता है। अभी चिकन पॉक्स के बारे में सुना? किसी का चिकन पॉक्स पहले हुआ था क्या? चिकन पॉक्स के बारे में सुना क्या स्टूडेंट? चिकन पॉक्स? यस मैम। हुआ था क्या तुम लोगों का कहीं बचपन में, या फिर चिकन पॉक्स हुआ था क्या? नहीं, नो मैम। नहीं हुआ क्या? एनीवन किसी का तो हुआ होगा। एनीवन? ये चिकन पॉक्स ये जो है ये वाला, ये भी लाइक मैं एक चीज पूछती हूँ, अगर किसी का चिकन पॉक्स हुआ तो दूसरों को भी हो सकता है क्या, अगर उसका पास में रहा तो? एनीवन? यस मैम। हाँ, तो सोचो अगर तुम्हारा दोस्त का चिकन पॉक्स हुआ तो तुम उसका पास में जा के रहोगे या फिर थोड़ा दूर होके रहोगे? मीन्स लाइक समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? अगर किसी का चिकन पॉक्स हुआ तो उन लोगों का पास में जाओगी या फिर थोड़ा दूर होके रहोगी? ओके, चिकन पॉक्स ये
ये एयरबोर्न डिजीज है विच इज कॉज बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये तुम लोगों को बायहाट करना है। अगर किसी का चिकन पॉक्स हुआ तो ये क्या वायरस से कॉज होता है? पहले मैंने तुम लोगों को वो कॉमन कोल्ड का एक्सप्लेन किया था ना, वो एक वायरस से कॉज किया जाता है, उसका नाम था राइनो वायरस। अभी हम चिकन पॉक्स में आया, चिकन पॉक्स में भी एक वायरस, इट इज कॉज बाय वायरस नोन एज वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये बायहाट करना है। और ये चिकन पॉक्स ऐसा डिजीज है जो दूसरों को भी स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। तो नेक्स्ट इज मम्स। तो अभी हम देखते हैं कि मम्स क्या है। मम्स मम्स इज अनदर वेरी कंटेजियस, ये भी एक वायरल डिजीज है, ये भी बहुत कंटेजियस है, मीन्स मम्स मीन्स ऐसा फूल जाता है। तो ये भी वायरल डिजीज, ये भी एक वो है एयरबोर्न डिजीज है, एंड ये भी कंटेजियस है, मीन्स दूसरों को भी स्प्रेड हो सकता है। और इसका जो सिम्टम्स है कि इसका सिम्टम्स अपियर होने का आगे भी स्प्रेड हो सकता है, अपियर होने का बाद भी स्प्रेड हो सकता है, 5 दिन या 5 दिन के बाद तक भी स्प्रेड हो सकता है दूसरों को। और फिर नेक्स्ट इज मीजल्स। मीजल्स भी बहुत कंटेजियस है, बहुत स्प्रेड हो सकता है, और क्राउडेड एरिया में, ज्यादातर क्राउडेड एरिया में, जैसे कि मार्केटिंग प्लेस, ये सब मीन्स लाइक इन एनी प्लेस वेयर यू गैदर, जहाँ पे बहुत सारा ज्यादा लोग होता है, उस जगह में अगर किसी का मीजल्स हुआ तो ये डिजीज बहुत जल्दी फैल सकते हैं। तो इन ये जो वायरस जो मीजल को कॉज करता है, ये वायरस क्या है कि इट कैन रिमेन एक्टिव इन द एयर एज वेल एज ऑन द सर्फेस फॉर 2 घंटा तक वो जिंदा हो सकता है, मीन्स एक्टिव हो सकता है हवा पे या फिर सरफेस पे, फॉर 2 आवर्स इट कैन बी, इट कैन रिमेन एक्टिव। और अभी हम पढ़ते है कि किसी अगर किसी का एयरबोर्न डिजीज हुआ तो उसका क्या क्या सिम, अभी हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी का एयरबोर्न डिजीज हुआ तो उसका क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज, हमारा नोज पे, थ्रोट पे, लंग्स पे, ये सब इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और कफिंग, स्नीजिंग, कंजेशन, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, स्वेलन ग्लैंड्स, हेडेक, बॉडी एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, ये सब हो सकता है। अगर किसी का एयरबोर्न डिजीज हुआ तो ये सब सिम्टम्स दिखाई देता है। समझ में आया क्या? अगर किसी का एयरबोर्न डिजीज हुआ तो ये सब दिखाई देगा। समझ में आया क्या? Now let us discuss how you can prevent. If a person suffer from airborne disease, how can you prevent? First of all, you have to avoid close contact with people who have active symptoms. So, jiska airborne disease hai, un logon se dur rehna hai. Means you have to avoid close contact with people who have the symptoms. Jiska symptoms hai, un logon se dur rehna hai. Next, agar kisi ka airborne disease hua aur bimar hai, to you will let that person to stay at home. Ghar pe rehne ko bolna hai. And why you need to tell that person to stay at home if he or she is sick because of airborne diseases? Because there are some people who are very much vulnerable. So if they come in close contact with you, then they can also cause the same disease, the same sickness. That is why when you are sick, you need to stay at home. And next is, if you while you breathe or while you talk or while you sneeze or while you cough, you need to wear a face mask. Why you need to wear a face mask? In order to prevent infection. And then if you won't wear a mask, then also at least you have to cover your mouth when you cough or sneeze, means cover your mouth. And that particular hand where you cover your mouth, that hand should be thoroughly washed. And after you cough or sneeze, you should not touch your face with that hand
with which you covered your mouth. Otherwise, what happened is that this can also lead to infection. That's the reason why after whenever you cough or sneeze, and if you cover with your hand, always wash your hand thoroughly. That will prevent you from causing any infection. And then avoid touching your face or other people with unwashed hand. If you did not wash your hand, then you need not touch any other person, because what happened is that that other person also can get infected through your this unhygienic hand. These are the remedies how you can prevent if a person suffer from airborne diseases. Only 3 minutes left. CR, please take attendance. Only 3 minutes left. CR, please take attendance. Ma'am. Yeah. Ma'am. Yes. Ma'am, can you send this PDF in WhatsApp group? This? Oh, I heard that your ma'am already sent you. No, ma'am. Oh, she did gave not only send... that one, waterborne disease. She didn't get that. No. Okay, then sure, I'll send you. Okay. Anyone have any doubts? No, ma'am. Okay, let me repeat once, okay? You just, there is only few minutes left. Dhyan, dhyan se sunna. Agar exam mein aaya to, aag bhar karke bhi likh paaye. Like you need to, like koi puchne se bhi airborne disease kya hai, puchne se bhi jaldi jaldi tum log bol paayenge. Sirf 2 minute baaki hai, main jaldi jaldi revise karti hoon. एयरबोन डिजीज क्या था, मैंने बोला था कि ये एक डिजीज है जो पैथोजन से कॉज किया जाता है. तो अगर कोई पूछे तो एयरबोन डिजीज क्या से कॉज होता है, तो बोलना है कि पैथोजन. तो पैथोजन क्या क्या होता है पूछने से बोलना, वायरस हो सकता है, बैक्टेरिया हो सकता है, फंगाई हो सकता है, ऐसा बोलना है. और फिर ये कैसे ट्रांसमिट होता है दूसरों को, तो यू हैव टू से दैट इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर. हो गया. उसके बाद ये जो पैथोजन, ये जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई कैसे कैसे स्प्रेड होता है, जब हम सांस लेते, हम जब बात करते, हम जब कफ करते, हम जब स्नीज करते हैं, ये सब का थ्रू से वो है स्प्रेड हो सकता है. तो उसके बाद हमने क्या क्या डिस्कस किया कि टाइप ऑफ एयरबोन. सबसे पहले डिस्कस किया कोरोना के बारे में. कोरोना के बारे में तो हम पूरा डिस्कस किया था. उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉमन कोल्ड का जो वायरस कॉज करता है. एग्जाम में अगर पूछा तो बोलना है कि इट इज कॉज बाय राइनो वायरस. वायरस का नाम क्या है, बोलने से बोलना राइनो वायरस. उसके बाद में क्या है, इन्फ्लुएंजा. उसके बाद चिकन पॉक्स. उसके बाद मम्स, मीजल्स. और सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, मैंने बोल दिया. किसी का इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज, कफिंग, स्नीजिंग, कंजेशन, रनिंग नोज, बॉडी एट, फीवर, सब कुछ ये सब हो सकता है. और प्रिवेंशन भी ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस कर लिया. ये सब, ये प्रिवेंशन वगैरह अच्छी तरह पढ़ना. सबको समझ में आया ना? यस मैम. यस सम. यस. ओके. सब आ गया समझ में. ओके, वेरी गुड. ओके, देन मैं तुम लोगों को पीडीएफ चाहिए ना, तो मैं पीडीएफ सेंड करूंगी. सीआर, अटेंडेंस हो गया क्या? सीआर, अटेंडेंस हो गया क्या? अटेंडेंस. ओके. ओके. देन दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू मैम. बड़ा हल लगी सा क्लास तो बोल.